मैं जुशान आपके साथ, और सबसे पहले इस बुलेटिन शुरुआत करेंगे राजधानी रांची से निकली खबर से। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव, धीरज तनेजा समर्थित 18 उम्मीदवार जीते हैं। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जीत हुई है। किशोर कुमार मंत्री को मिले हैं सबसे अधिक 1479 वोट, राहुल मारू को मिले हैं 1402, धीरज तनेजा को मिले हैं 1400 वोट के साथ तीसरे स्थान पर वो रहे हैं। धीरज तनेजा का चैंबर अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। धीरज तनेजा समर्थित 18 उम्मीदवार जीते हैं इस चुनाव में। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जीत हुई है। न्यूज 11 भारत पर इस समय की ब्रेकिंग खबर, किशोर कुमार मंत्री को मिले हैं सबसे ज्यादा 1479 वोट, राहुल मारू को मिले हैं 1402 वोट। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव लगभग संपन्न हो गया है और देखेंगे बाईं तरफ पटाखों का दौर भी जारी है और यहां पे नृत्य भी डांस भी चल रहा है। पूरी तरह से देखेंगे कि डांस का दौर भी जारी है। पूरी तरह से धीरज तनेजा और उनके तमाम लोगों में काफी उत्साह है। धीरज तनेजा जी हमारे साथ है, पूरी तरह से उत्साह का माहौल। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव परिणाम आने के बाद से जो जानकारी मिल रही है उसमें सर क्या कहेंगे, चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव परिणाम हमारे हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा रहा। 18-3 से हम लोग जीते हैं। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और जो साथी हमारे इस बार नहीं आ सके इस बार, मैं उनको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम लोग साल भर साथ में चलेंगे और एक अच्छी व्यवस्था बना करके पूरे साल बहुत अच्छे से काम करेंगे सबको लेकर के। आपके ग्रुप के कितने लोग जीते हैं, निर्दलीय कितने जीते? हमारे ग्रुप के 18 लोग जीते हैं, 3 निर्दलीय जीते हैं इस बार। मतलब है कि अगला अध्यक्ष धीरज तनेजा होंगे? यही कोशिश रहेगी जैसा हमारे ग्रुप के लोगों डिसाइड कराएंगे। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष को हमारे सहयोगी देवाशीष दिखानेंगे, कोशिश करेंगे। कितने खुश, कितने पूरी तरह से उत्साह, कितनी खुशियां सर, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हमने, वी आर वेरी हैप्पी। हमारी टीम बहुत अच्छे मेजोरिटी से आई है, कुछ लोग छूट गए हैं, 3 लोग छूट गए, लेकिन हमारी टीम पूरी मेजोरिटी से आई है। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है व्यापारियों के लिए। तनेजा साहब को पूरी तरह गोद में उठा देखेंगे, उत्साह का माहौल। और ये तनेजा है झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष धीरज तनेजा, पूरी तरह से उत्साह का माहौल एकदम देखेंगे। लोगों में उत्साह है झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सर, लोगों को क्या कहेंगे लोग, झारखंड की जनता को, व्यापारियों को? मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग एक बहुत अच्छी टीम बनाकर अगले पूरे एक साल के लिए सभी व्यापारी हित और उद्योगपतियों के लिए एक बहुत अच्छा साल करेंगे, जिसमें हम बहुत नई नई चीजें करेंगे और हम एक प्लेटफॉर्म बना करके आगे के लिए भी अच्छे चैंबर के नींव डालेंगे। ये डांस का माहौल, खुशी का माहौल, बिल्कुल देखिए पूरी तरह से, बिल्कुल सर 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 क्या कहेंगे? देखिए ये जीत केवल मेरी जीत नहीं है, हर किसी की है जो मेरे लिए चुनाव में वोट मांगा है। मेरे पिताजी की जीत है। अब ये है कि अब से जनता जाके बैठे हैं, अरुण बुधिया के बेटे हैं, अरुण बुधिया के बेटे हैं। अब ऐसा है कि चुनाव तो मैं जीत गया हूँ, दायित्व भी बहुत बड़ी हो चुकी है, मुझे व्यापारियों के लिए कुछ करना है और मैं उसके लिए तत्पर हूँ, मैं करूंगा भी। आप तनेजा ग्रुप से हैं या फिर निर्दलीय? निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय जूते, इसमें एक आप, मैं आप हूँ और मैं सबसे युवा कैंडिडेट हूँ जो चुनाव जीता हूँ। 29 वर्ष की उम्र में मैंने चुनाव जीता है, मैं अभी सबसे युवा कैंडिडेट हूँ। बिल्कुल, और इस प्रकार से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न हुआ, कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद ये तय होगा कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, महासचिव कौन होगा। लेकिन जो माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए सबसे तेज उम्मीदवार धीरज तनेजा होंगे और उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। कैमरा देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।